सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। तो भाई जैसे यार अभी तुम्हें पता ही है कि अभी गेट का एग्जाम आ गया है, काफी करीब आ गया है और अभी हार्डली 15 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये 15 डेज में एस्पिरेंट्स ऐसा क्या करें, इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें कि मतलब उसका जो रिजल्ट मिले वो काफी अच्छा। मेरा जो जहाँ तक एक्सपीरियंस है, अभी कुछ नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए स्टूडेंट्स को, और एक्चुअली जो पहले से जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उसको बार बार रिवाइज करने चाहिए, क्योंकि जो एक गेट एग्जाम में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज जो एक फैक्टर होता है वो है कि आपका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फॉर्मूले पूरे याद रहने चाहिए, तो आपको बार बार उस चीज को रिवाइज करना चाहिए। आपको अगर टेस्ट सीरीज आपको में अपियर होना चाहिए, और अपने एक्यूरेसी पे मेनली ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे कि परसेंटेज कहीं पूछ रहा है फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज परसेंटेज में इंटर कर देते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत बहुत ज्यादा रैंक रैंक में गैप आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो आपको, और एक और चीज मेरे इसमें अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, कि क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ें, कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या रिक्वायर्ड है, वो क्या चीज पूछ रहा है, कि आपको क्या जो न्यूमेरिकल डेटा टाइप है उसमें आपको क्या पूछ रहा है, कि एग्जैक्टली क्या फिल करना है, वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम स्टूडेंट से यही अपील करेंगे कि वो टेस्ट सीरीज में अपियर हो, और उनका जो टाइमिंग है, जैसे कि अगर 9 to 12 वाला है तो उसमें अपियर हो, और अभी अल्टरनेट या डेली टेस्ट दे सकते हैं, और लास्ट लास्ट के 2-3 दिन टेस्ट में अपियर नहीं हो, अच्छे से नींद लें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। ज्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप अब कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हैं, जो आपने पहले स्टडी की है उसी को रिवाइज करके और अपियर हो, और जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं एग्जैक्टली जो टेस्ट सीरीज में देखने को मिलते हैं, वो कुछ डेविएट होते हैं फ्रॉम द टॉपिक्स, कुछ काफी हार्ड होते हैं। तो अगर मार्क्स कम आ रहे हो तो उससे आपको ये नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे भी बहुत मतलब बहुत टाइम कि मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज में, लेकिन मैंने वहां जाके अच्छा किया। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना हो इसके लिए। ओके। तो भाई मतलब आपने जब अपने टाइम पे टेस्ट दिया था, ठीक हाँ, है, तो आपके एवरेज मार्क्स कितने आते थे, मतलब क्या रेंज था उसका? मेरा एवरेज मार्क्स अराउंड 70 ही रहता है था, और डिपेंड करता था कि पेपर किस टाइप का है, मतलब टेस्ट सीरीज में भी कुछ बनाया रहता है कि कुछ हार्ड टाइप के रहते हैं, कुछ थोड़ा मीडियम, कुछ इजी, उस पर डिपेंड करता था। जनरली 70 के अराउंड रहता था। जो हार्ड पेपर्स होते थे उसमें कभी कभी मेरे 55 मार्क्स भी रहे, 50 मार्क्स भी रहे यहाँ तक स्टार्टिंग में, और कभी कभी काफी अच्छा भी रहा, अराउंड 85-88 भी मेरे रहे, तो ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस रैंक से एक्चुअली जो मार्क्स आ रहे हैं उस पे हम लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, मेन है कि आप उस टेस्ट में क्या गलती कर रहे हैं, किस टाइप की गलती कर रहे हैं, वो आप नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने भी एक रजिस्टर बनाया था जिसमें अपने सारे जो गलतियां करता था, जो नोट डाउन करता था किस टाइप की गलतियां आप कर रहे हो, और उसको रिपीट ना करें, ये आप कोशिश करो, यही मेन चीज है जो आपको उस दिन अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। और भाई मुझे काफी बच्चों की क्वेरी आती है, उनका ये हाँ, कंसर्न रहता है कि उन्हें जो है मतलब मार्क्स जो है वो 50 to 60 के बीच में आ रहा है, ठीक है, कुछ उसमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? एक ही चीज आप कर सकते हो कि प्रैक्टिस करने, बस आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो इस टाइम पे, प्रैक्टिस करनी है, और आप ये भी देखो कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और गेट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप दो ही चीज कर सकते हो, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप एक्यूरेसी सही नहीं हुआ, बार बार एक टाइप की गलती कर रहे हो, तो उससे आपको सीखना है, और दूसरा है कि आपके फॉर्मूलेज नहीं याद आ रहे हो तो आप शॉर्ट नोट एक बना लो पेज पे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसको बार बार देखते रहो, बार बार जब सोने जा रहे हो, जब कुछ खा रहे हो तब भी देख लो आप, इस टाइप से कि आपको मेमोराइज हो जाए। तो यही दो चीज आप कर सकते हो इसको इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक मेन चीज है। और अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा गेट का एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें अपने परफॉर्मेंस को एकदम मैक्सिमाइज करने के लिए किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए?
आपको अगर मेरा आप एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं ये करता था कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता था, जैसे कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता था और लास्ट तक जाता था, और उसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था। फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन बन गए, कम टाइम में बन गए, उसको मैं पहले बना लेता था। बहुत सारी चीज क्वेश्चन रहते थ्योरी टाइप, जो कि आप पढ़ लोगे और उसका टिक कर दोगे आंसर। उसमें कैलकुलेशन रहता है, कुछ कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन रहता है। एक्चुअली जितने टाइम आप अब देख लो कितने कैलकुलेट, अगर आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं 100 क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.8 मिनट आप एलोकेट कर सकते हो मैक्सिमम, और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 3.6। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो, और उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है फर्स्ट टाइम में, और जितना बन जाए, और फिर आपको सेकेंड टाइम उस पेपर को अटेम्प्ट करना है जो आपने मिस करी, और फिर उसको अटेम्प्ट करें। लेकिन आप जो फर्स्ट टाइम जो बना रहे हो उसको पूरा एकदम अच्छे से देख देख लो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसमें गलती मत कीजिए कि उसमें फर्स्ट टाइम में जो कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टली जो पूछ रहा है उसमें सिली मिस्टेक्स करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर सेकेंड बार आए और फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और उस टाइम आपका क्या हुआ कि एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, वो बन जाएंगे, तो दिमाग में भी थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा कि चलो मेरा इतना क्वेश्चन तो बन चुका है, मुझे इतने ही अटेम्प्ट करने बचे हुए। तो आपको क्या हुआ कि माइंड और अच्छे से काम करेगा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, और फिर वो अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे और बन भी जाएगा बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन फर्स्ट टाइम में आप ये करोगे कि आप जैसे 10th ही क्वेश्चन पे हो, उसमें काफी टाइम लग रहा है, तो आपको ये भी रहता है अरे यार मेरा काफी सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, तो उसमें आप सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उसको आप बना लो, फिर सेकेंड बार उसको देखो। यही मेरा एक्सपीरियंस है। ओके ओके। और काफी लोग मतलब क्या करते हैं कि स्टार्ट में कोई कोई 2 मार्क्स वाले स्टार्ट करता है, पहले पहले दो मार्क वाले प्रॉब्लम करेगा, कोई ऐसे स्टार्ट करता है, तो उसके बारे में क्या आपकी राय है? ये भी किया जा सकता है, लेकिन वही है कि आप एक लिमिट से टाइम ना दो। अगर आप 2 मार्क्स के भी कर रहे हो तो उसको जितना टाइम मिलना चाहिए क्वेश्चन को, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, आप उतना ही टाइम दो, इससे ज्यादा टाइम मत दो। आप सीक्वेंस अपने अकॉर्डिंग अलग कर सकते हो, और ये चीज आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो टेस्ट सीरीज में। जिस टाइप से आप माइंड बनाए हो सबका थोड़ा अलग स्ट्रेटजी हो सकता है, और सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है और काम करती है अलग अलग स्ट्रेटजी भी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हो उसको आप एक तरह से ट्रायल, एज ए ट्रायल, आप जैसे टेस्ट सीरीज में है तो वो चीज करो सेम चीज। आपको और कुछ उसमें चेंजेस लग रहे हैं वो चेंजेस करके टेस्ट सीरीज में ही कर लो, और ये मन बना के जाओ कि इस टाइप से मुझे अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक लिमिट से ज्यादा टाइम मुझे एक क्वेश्चन पे, चाहे वो हल्का ही क्यों ना हो। कभी कभी लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं बन रहा है, ये तो मैंने कितने बार सॉल्व बना चुका हूँ, कितने बार मैंने अच्छे से ये मुझे पता है लेकिन अभी नहीं बन रहा है, तो उस टाइम छोड़ दो उसे। तो ये इन चीजों के कारण काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, और लास्ट में हम लोग को टाइम की कमी पड़ती है। ओके ओके ओके। और भाई मुझे एक और चीज पूछनी थी कि जैसे आपको पता ही है, ये चीज आपने शायद खुद भी फेस की होगी, मतलब कि जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आते आता जाता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं मन के अंदर किसी कोने में एक थोड़ा सा फियर भी आने लगता है, थोड़ा डर सा बनने लगता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, उनका सारा सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन भी चल रहा है अच्छे से, टेस्ट सीरीज भी चल रही है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं अधूरापन लगता है कि अरे यार कुछ और करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब एक फुल कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एक मैं बोलूंगा कि एक कॉन्फिडेंस होता है, तो काफी लोगों में ये चीज देखने को नहीं मिलती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए एस्पिरेंट्स को? ऐसा तो मैं भी खुद भी फील किया हूँ कि ये चीज मेरे साथ भी होती थी। अगर एग्जाम कल है और मैंने सारी तैयारी की है, रात को मुझे, मैं सोने गया तो मुझे लग रहा है यार ये चीज लग रहा है यार मेरा मिस हो गया है। लेकिन ये चीज होती है, लेकिन आप उसको आपको लीव करना पड़ेगा। आपको आपने तैयारी की है, आपने ऑलमोस्ट सारे सिलेबस कवर किए हैं, तो आपको दिक्कत उतनी नहीं होगी। वो चीज आपको मन से थोड़ा हटाना पड़ेगा, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि नहीं मैं वहां पे सॉल्व कर पाऊंगा क्वेश्चन। तो ये चीज मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये होती है। आपको हर वक्त ये लगेगा कि मैंने पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि इतने वास्ट सिलेबस है, तो आपको लगे कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं ये भूल रहा हूँ या कोई छूट रहा है। लेकिन आपको इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अपने आप जो तैयारी किया है उस पर आपको विश्वास रखना है, और आप अच्छा करेंगे अगर आपने साल भर अच्छी तैयारी की है। ओके okay. और भाई ये चीज तो आपको पता ही होगी कि जैसे जो जो 2 साल से मतलब जिन्होंने 2 साल का गैप लिया है, 3 साल का गैप लिया है, मतलब उन्होंने तैयारी तो अच्छे से की थी, बट क्या हो रहा है कि कुछ
लास्ट में कुछ एग्जाम में मिस्टेक्स हो गई या कुछ ऐसे चीजें हो गई जिससे उनका स्कोर अच्छा नहीं आया, ठीक है, हाँ तो हाँ वो लोग भी उनके मन में भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एक डर बस जाता है कि अरे यार इस बार भी अगर वैसे हो गया तो क्या होगा, इस बार अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। तो इस चीज से बाहर निकलने के लिए एस्पिरेंट्स क्या कर सकता है? मैंने भी गेट का एग्जाम मतलब 17 में भी दिया था, 18 में भी, 19 में भी। तो मेरे साथ भी 18 में मुझे लगा कि मेरी काफी अच्छी तैयारी है, लेकिन मैंने उस टाइम सिली मिस्टेक्स कर दी है और मेरे रैंक अच्छी नहीं रही। तो मेन चीज यही है कि आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जो सिली मिस्टेक्स हैं उसके लिए आपको एक तो प्रैक्टिस की जरूरत है, जो मैंने पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर रही थी तो दोबारा आपको नहीं करना है। इतना आप प्रैक्टिस कर लें कि अगर एक मिस्टेक कर रहे हैं तो वो दोबारा फिर से वही गलती ना करें। इससे आपको काफी काफी कुछ इम्प्रूव होगा आपका। तो बाकी दूसरा है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा आपको। और ये है कि लास्ट में कुछ चीज अनएवॉइडेबल होती है, लेकिन ये हर एक बार नहीं हो सकती है। आप जैसे 2 बार दिए तो 3 बार दिए तो ये नहीं है कि आपको हर एक बार अनएवॉइडेबल चीजें आपके साथ होंगी तो आपके साथ अच्छा होगा। ये आपको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं, मिस्टेक्स को अवॉइड किए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही नहीं। हो सकता है कि किसी भी कारण से 1% है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया उस साल, तो आपका अगले साल तो अच्छा एग्जाम जाएगा, ये चांसेस हैं। और यही मैं बोलूंगा। ठीक है नितिन भाई, मतलब ओवरऑल तो सारी चीजें कवर हो गई और आपने मतलब जो भी कुछ बताया है, आई थिंक अगर एस्पिरेंट्स इस चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा भी परफॉर्म करेंगे और एक अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक हाँ, और मैं है। लास्ट में बोलता हूँ, ऑल तो द बेस्ट टू द एस्पायरेंट्स जो कि अपीयर हो रहे हैं इस बार वाली गेट में, वो अच्छी रैंक लाएं। और भाई एक लास्ट मैसेज आप कुछ देना चाहते हैं जो भी इस बार गेट के लिए अपियर हो रहे हैं, उन्हें आप कुछ मैसेज अपनी तरफ से, कुछ सीक्रेट? सीक्रेट तो वही है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको लीव कीजिए उस क्वेश्चन को, फिर से नेक्स्ट टाइम आइए। उसको किसी पे ज्यादा टाइम नहीं देना है और आप अच्छी से स्लीप लीजिए। जैसे पहले है तो आप ये नहीं कि पूरी रात पढ़ रहे हैं, आप अच्छी सी नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी सी नींद लेनी चाहिए, तभी आपको आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो आपको नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिर आप भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने मेहनत की है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। और यही मैं दो चीज बताऊंगा कि एक तो स्लीप लीजिए और दूसरा है कि आप क्वेश्चन से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ये है कि बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उनके क्वेश्चन छूट गए, जो आते हुए क्वेश्चन लास्ट में छूट गए, ये वो नहीं होगा, क्योंकि आपको 2 मार्क्स के चलते आप 10 मार्क्स कमा रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी जो आप तैयारी किए हैं तो वो आपको रिजल्ट देगा ही। हाँ भाई, अभी आपने जो ये नींद वाली बात की है ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कल एग्जाम है और वो बंदा उसके पहले दिन ही पूरा दिन भर रिवाइज मार रहा है, पढ़ रहा है, रात को भी कर रहा है, उनको लग तो रहा है कि मैं भूल रहा हूँ कोई चीज। ये सबके साथ होता है, लेकिन हो सकता है कि वो आप जैसे कि आप 100 चीज है तो एक चीज आप भूल रहे हैं, वो इसमें नहीं भी आ सकता है। उसका कितना परसेंटेज ही होगा, आपको 100 में 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। आपको आप 100 में आप 80 भी ले आए तब भी आप काफी अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो ये नहीं है तो पूरा चीज आपको 100% आना ही चाहिए। आप जो 80 आ रहा है 80 को ही आप ये ट्राई कीजिए कि 80 जो आ रहा है उसी वो पूरा मतलब क्या एक्यूरेसी के साथ बनाए कि आपको इतने आ रहा है तो इतने मार्क्स आना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस को ध्यान रखना चाहिए। अगेन थैंक यू वेरी मच निखिल भाई, आपने बहुत थैंक ही यू। गुड रहस्य वाली बातें की है और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को आपने बताया है, क्योंकि जो लोग मिस कर जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि गेट में अगर अच्छा रैंक लाना है तो इसमें सबसे जरूरी यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, ज्यादातर हाँ लोग हाँ इसी में गड़बड़ कर देते हैं। तो आई होप आपने जो भी कुछ बताया है उसको अगर एस्पिरेंट्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो अपना एक मैक्सिमम जो होते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट देके आना, तो एटलीस्ट वो अगर आप करके आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो भाई फिर इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं और बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू।